चार दिना दी शादी है रब्बा, लंबी सफाई लंबी सफाई, सस दे ताने सुनू मैं हमेशा। मैनू एक गल ते दसो, कल ईद हैगी है तो तुसी हाले तक जानवर ही नहीं लेके आए ईद दा। असी कुर्बानी नहीं करनी है इस दफा, तेनू नहीं पता असी किन्ने लोगों के कर्जे देने ने। की बच्चा वाली गल करन नहीं है? नहीं की मतलब असी कुर्बानी नहीं करनी? तुसी मैनू पहले दसते कुर्बानी नहीं करनी, मैं चार घरां च जाके कह आंदी असी कुर्बानी नहीं करनी, सानू गोश्त पजा दिया जे, हुण खाया जे ईद ते मुर्गी ते खा लवांगे। लोकी मुर्गी नहीं खांदे की? किसी ने गोश्त नहीं देना, लिख के ले लो मेरे कोलों। अब तेरे लोकां ने कीती है खानदान च कुर्बानी, दे देंगे सानू गोश्त, तू टेंशन ना ले, गोश्त दी पै गई है तेनू। हाँ तो खानदान में तो बहुत लोग कुर्बानी कर रहे हैं, मेरा मुंह ना खुलवाओ। आपकी बहन कुर्बानी नहीं कर रही, पिछली दफा क्या गोश्त देके गई थी, सारी चर्बी चर्बी डाल के तो दे गई थी। और दे के तो गई थी ना, अल्लाह तो शुक्र करिया कर जो कोई हंसी खुशी कुछ दे जावे, ना शुक्री औरत। हाँ तो अपनी बहन बोलो ना, कल टाइम ते साडे घर गोश्त दे के जावे, थोड़ी कलेजी वलेजी हम भी खा लें कल। खुदा दी बंदी है तू पागल हो गई है, हर किसी ने अपनी रूटीन वेखनी है तो फिर गोश्त बंडना है, तू मेरे सिर ते सवार ना हो। ले ते सब तो पहला हक ते रिश्तेदारां दा होंदा है, वेखनी है ना किन्ना कु गोश्त खिला दिंदी है तुहाडी भैन, फ्रिजा भर के रख दी है, चार वेड़े कर दी है उंज ते, ते सानू चर्बी खिला दिंदी है, बड़ी चुभदी है तुहानू तुहारे पिछलियां दी करां ते, दिमाग खराब। खरे कित्थे आके फस गई हां मैं, किस्मत च रोटियां बनाना ही लिखिया है। तू पहली बंदी तो नहीं है जिहड़ी रोटियां पकाने है, सारी बुढ़ियां बना दियां ने। हां तो उसकी वो बात तो मैंने आपको बताई नहीं, छोटी ईद पे उसके बच्चे को 500 ईदी देके आई थी और उसने हमारे बच्चों को 200 रुपया ईदी दी थी। तू हम देख बच्चे नु 500 रुपया देके आई से, उन्हें तेरे दोवां बच्चों नु 200 रुपया दी थी, 100 रुपया ही उन्हें काट दिता है, तो 100 रुपया कम दी थी ना, घाटे के सौदे में रह गए हैं ना। वैसे तो बड़ी वो अमीर नहीं बनी फिरती है, सारी खानदान की बुराइयां उसमें है, आप ही साइड लेना उसकी। ऐ ते ना वो कर सकी, भरा दे सिर च जेड़े कर्जे ने ओही ला दवां फड़ के, वड़ी मीर नहीं बनी फिरदी है। ओ कर्जे वाली तू गल ना कर, तू बड़ा आपदे पिछलियां कोलो पैसे फड़ के ते मेरे कर्जे ला दिते ने, कल बुरी साडे घर ना बड़े जे गोश्त ना लेके आई ते, आपे ही वेखदी रवी किनू वाड़ना ते किनू नहीं वाड़ना घर दे विच। मैं ते कल दो तीन जगह जाना कुर्बानी वेखन, पिछों मैनू फोन ना करी ते चक करनी है तू। ए रोटी नहीं बनन डई अज ते, खरा मेरा कीता है कुर्बानी नहीं, बच्चे उत्थे मैनू पिटन गए के सारे महल च मैं भी शोकी मार दी सी, कुर्बानी कर रही हूँ। हाय अल्लाह, कल ईद है, इतने काम मेरे सर पे पड़े हुए हैं, घर की सफाई करनी है, इनके कपड़े इस्त्री करने हैं, मैं तो पागल हो जावांगी। तो मम्मी आपने अभी तक बताया ही नहीं कि हमने कुर्बानी क्या करनी है। इस बार हमने कुर्बानी नहीं करनी है? मैं तो अपने सारे दोस्तों को कह चुका हूँ कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। तेरे पापा ने किसी का कर्जा देना है और जिसने किसी का कर्जा देना हो ना वो कुर्बानी नहीं कर सकता है? अच्छा, मेरे सारे दोस्त गाय ऊंट बकरा छतरा बेड़ा सब कुछ कर रहे हैं, वो भी चार चार पांच पांच, ते मैं की करूं जे तेरे दोस्त करन डए ने, ते हुण तेरी शोखी दे चक्करां विच मैं बार पूरी मंडी खोल दवां। बल्कि मेरा प्यारा बेटा मेरी बात सुन, मैं ना तुझे ईद वाले दिन एक दूंगी शॉपर, ठीक है? तूने वो लेके जाना है, अपने हर दोस्त से कहना है इसमें हिस्सा डाल दो, जितना ज्यादा गोश्त लेके आएगा उतने ज्यादा पैसे दूंगी तुझे मैं। अब मैं अच्छा लगूंगा शॉपर लेके जाता फिरूंगा मांगने? पिछली ईद पे तुझे मैंने कितनी ईद दी थी, 100 रुपया ना, इस दफा मैं तुझे 500 रुपया दूंगी जितना ज्यादा गोश्त लेके आएगा। हाँ दोगी 500 रुपया फिर? चल मम्मा का प्यारा बच्चा, जा जा अभी से चला जा, अपने दोस्तों को अभी से कह वो कहीं और बांट बूट ना दे, ये काम वालियां बड़ी चलाक होती हैं, सारा गोश्त खुद ही ले जाती हैं, जा सबको कह आ, जा कह के आ कल मेरा गोश्त का हिस्सा रखें, जा। ओके अभी के अभी कह के आता हूं।
दरवाजा ही नहीं खोल रहा, कितनी गर्मी पड़ रही है यार। ये है तेरी दोस्ती। हाय, क्या हाल है? मैं ठीक यार, मैं भी तेरे साथ नहीं खेल सकता, प्लीज मैं अपने गोट्स को खाना खिला रहा हूँ। तुझे एक बात बतानी थी, मैं तेरे से खेलने नहीं आया। फिर इकरा तेरा नंबर मांग रही है। आजा मेरे दोस्त, आजा तुझे अपनी गोट्स दिखा। यार जानी, तूने घर में बड़ा शीशा विशा रखा हुआ है। एक्चुअली मैं पार्टीज करता हूँ ना, तो मेरे पापा ने मुझे ला के दिया हुआ है। हमारा देसी प्यो तो छितर मार के हमें घर से निकाल दे, बाद में शीशा भी तोड़ दे चाहे। तू टच ना कर, इम्पोर्टेड है, खराब हो जाएगा। एक्चुअली ये मेरे डैड गोट शोरूम से लेकर आए हैं। ज्यादा केकों वाली हरकतें ना कर। चल चल, तू तो मेरा जा रहा है। हां दे जलसे ते नचने तो मेरा आज जी करदा कपताना। हां दे जलसे ते नचने तो मेरा आज जी करदा कपताना। हां दे जलसे ते आज हम इसको खिलाते हैं, कल हम इसको खाएंगे, आज हम इसको खिलाते हैं। ओ मुझे ना खा दे कहीं ये। यार नहीं यार, ये टू टीप्स वाला है ना। यार मैं तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ तेरे घर। हाँ हाँ बोल। चल बैठ, कुछ बातें करते हैं। यार इस बार हमने ना कुर्बानी नहीं करनी, हमने अपने गांव में कुर्बानी करनी है। तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है? यार देख ना, तू कुर्बानी करेगा ना तो थोड़ा सा गोश्त मेरे घर भी भेज दी, मैं भलके लेने आऊंगा ईद पे स्पेशल तेरे घर गोश्त। यार ये सब बातें छोड़, वो जो नंबर वाली बात थी वो कर। पहले तू वादा कर गोश्त देगा। वादा? यार पिछला पूरा हिस्सा तेरा। डन कर यार। डन डन यार। बस अब नंबर बता। चल मैं तुझे व्हाट्सएप करता हूँ घर जाते साथ मेरा। यार यार तूने पिछली दफा हीरा की दफा भी यही कहा था। आज चांद रात है, तेरा दिल खुश कर दूंगा। ठीक है, एक हाथ से गोश्त एक हाथ से नंबर। डन करा। डन जानी। हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। माय यूजर नेम इज फातिमा फैसल _। और हम लोग कल कुर्बानी पता क्या कर रहे हैं? काओ कैरमल, ओ सॉरी कैमल गोट्स। हुन मैं फातिमा नु भी कहनी आ कि आप दी सारी सहेलियां नु कह देवे कि कल साडे घर गोश्त पहुंचा देवन। और भी बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं हम लोग कुर्बानी में। असी कुर्बानी नहीं कर रहे इस दफा। या गाइस, मेरी मॉम भी आ गई, तो कभी मम्मी को भी ले लिया करो अपनी लाइव वीडियो में, आप उनसे भी मिल ले थोड़ा सा। ये देखिए। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, कल ना हमने कुर्बानी नहीं करनी तो हमें जरा गोश्त दे जाना सारी कुर्बानी का, अपने अपने जो भी आपने किया हो। वी आर वेरी पुअर पर्संस। बच्चे इनकी फूफो भी गोश्त नहीं देती और मोहल्ले वाले भी चर्बी चर्बी शॉपर में डाल के दे जाते हैं। हमने भी ईद में कोई कलेजी पिपड़े खाने होते हैं, कोई रानी चांपे खानी होती है, पाए खाने होते हैं। याद से दे जाना गोश्त, ठीक है प्यारे बच्चों? अच्छा कल वास्ते मेरे कपड़े इस्त्री कर दिते ने? हाँ कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे आपके। चल मैं सोन चला। ठीक है, मुझे भी कल अजानों के टाइम उठा देना। और मैंने गल याद आई, रात 12 बज गए ने ते तेरी गंदी औलाद अजे तक घर नहीं आई। ओनू मैं ही भेजे है बाहर, समान लैन गया है। ना लैनिया कोलो ना, मैं प्याज गए सी कुछ और लैन गया है, आंदा होएगा हले। चल सही है, मैं सोन चला। हाँ चलो आप सो जाओ फिर। बाय। ठीक है। 2 hours later. इतनी रात को कहाँ से आ रहे? प्यो तेरा मुझे बोल रहा था। मम्मी सबको गोश्त का कह रहा था, इसीलिए लेट हो गया हूँ। अच्छा फिर ठीक है,
मैंने कह दिया था मेरे काम से ही गया हुआ है। चल जा मुंह हाथ धो के सो जा, सुबह उठना भी है। ठीक है सोने जा रहा हूँ। चल जा शाबाश मेरा बेटा, उठा देना सुबह याद से। तो कैसी लगी आप सबको बच्चों मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ना जरा परेशान हूँ, हम कुर्बानी नहीं कर रहे तो गोश्त नहीं है, तो मेरे घर जरा गोश्त पहुँचा देना, मैंने पता लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जरा चर्बी से परहेज करें।